We are playing at home and we come out every game trying to win it. So we're not looking at what they have done in the previous game. We know it's going to be difficult because you could see that they have, with some of their players, enormous quality. They do have weaknesses, we could see that also, but it was much more difficult for them to play two games at 4 o'clock with such humidity and the heat. So it's going to be interesting game. Maybe not beautiful game, but very interesting. ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে ভারত নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলছে ভানুয়াটুর সঙ্গে। প্রথম ম্যাচে মঙ্গোলিয়াকে 2 গোলে হারিয়েছিল ভারত এবং এই ম্যাচে ভানুয়াটুকে হারাতে পারলেই কিন্তু ফাইনালের টিকিট এক প্রকার কনফার্ম হয়ে যাবে সুনীল ছেত্রীদের। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑब्वियसली हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे, तो अभी बहुत एक्साइटमेंट है मैच देखने के लिए। फुटबॉल टीम का एनी मैच होता है तो इंडिया का होता है तो बहुत क्रेज़ होता है, तो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग बेस्ट फॉर आवर इंडियन टीम। लेट्स सी, वन विल लूज वन विल विन, लेट्स सी। इंडिया वनुआटू मैच देखने के लिए आया है, एक फैमिली हमें मिल गया है, काफ़ी सारे एक्साइटमेंट दिख रहा है उनके चेहरे में, तो आप क्या इंडिया का मैच पहले भी देख चुके हो स्टेडियम में आके? स्टेडियम में इंडिया का तो कभी मैच नहीं देखा, इंटरनेशनल पहली बार आया यहाँ देखने। तो भुवनेश्वर में इस टाइम पहली बार एक इंटरनेशनल सीनियर टूर्नामेंट चल रहा है, कैसा माहौल है, कितना एक्साइटमेंट है? अच्छा लग रहा है, हम लोग बस बढ़िया लगता है यहाँ पे, जब भी फुटबॉल या फिर कुछ भी होता है हम लोग हर बार आते हैं देखने के लिए, तो अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। और जैसे ग्राउंड पर अभी मैच शुरू होने वाला है तो क्या उम्मीद रखते हैं आप इंडिया टीम के साथ? ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगी, हम तो इसीलिए ही आए हैं और इंडिया ही जीतेगी आई होप। एनीवे जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन हमारा सपोर्ट इंडिया के साथ ही रहेगा और इंडिया ही जीतेगी, स्ट्रॉन्ग टीम। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? सुनील छेत्री। सभी का सुनील छेत्री फेवरेट प्लेयर है, उसका एज अभी 38 है, लेकिन जैसे वो हर मैच में परफॉर्म कर रहा है, ही इज डिफाइंग एज, तो कितना इम्प्रेस्ड हो आप, कितना इंस्पिरेशन है सुनील छेत्री? सुनील छेत्री से तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, उनको मैंने ऑलरेडी एक बार खेलते हुए देखा है कोलकाता में, तो ही प्लेज रियली वेल और अभी भी इतना वो स्ट्रांगली इंडिया के लिए परफॉर्म करते हैं फुटबॉल जैसे गेम में जो कि फिजिकली इतना चैलेंजिंग होता है, तो इट्स रियली एन इंस्पिरेशन। इंडिया वनुआटू मैच देखने के लिए काफ़ी सारे बच्चे भी आए हैं, ऐसे ही 2 बच्चे खड़े हैं। आप क्या इंडिया का मैच देखने के लिए आए हो? यस। और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? सुनील छेत्री। आप क्या सुनील छेत्री को पहचानते हो? हाँ। आप क्या खुद भी खेलते हो? यस, मैं फुटबॉल खेलती हूँ 3 साल से। तो मंगोलिया के खिलाफ इंडिया का जो पहला मैच था वो तुमने देखा? यस, 2 गोल दिया था इंडिया ने। चैंपियन कौन रहेगा इस टूर्नामेंट में? इंडिया। इंटरनेशनल फुटबॉल मैच हो और उनमें कलर नहीं हो, किड्स नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी हमें मिल गया है एक फैमिली जिन्होंने इंडियन टीम का जर्सी पहन के आया है, हाथ में है प्लेकार्ड जिसमें लिखा है आई लव इंडिया और बहुत सारे तस्वीर, बहुत खूबसूरत तस्वीर भी उन्होंने बनाया इंडियन टीम के लिए, बहुत सारे सपोर्ट करने के लिए आया है वो लोग, बात कर लेंगे अभी। और ये अब देख सकते हो कि सुनील छेत्री का जो 11 नंबर जर्सी, वो जर्सी पहनकर वो सपोर्ट करने के लिए आ गया है इधर। तो आप किसको फॉलो करते हो इंडियन फुटबॉल टीम में? मैं सुनील छेत्री को फॉलो करती हूँ इंडियन। वैसे आपका जर्सी से दिख रहा है कि आप सुनील का बहुत बड़ा फैन हो, तो ग्राउंड पर आके स्टेडियम में आके इसके पहले क्या कोई मैच खेले देखे हो आप? नहीं। तो आप क्या सभी भुवनेश्वर से हो? नहीं, एक्चुअली हम बाहर से आए हैं, लेकिन मैच देखने के लिए यहाँ स्पेशली हम आए हैं अपनी टीम को चीयर करने के लिए। फुटबॉल कैसे लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा। और तुम किसको पहचानते हो इंडियन टीम से? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री को पहचानते हो? और मैम यहाँ का जो माहौल है, वैसे इंडिया पहले मैच में मंगोलिया को हराया था, फिर सेकेंड मैच में वनुआटू है इंडिया के सामने, तो माहौल कैसे एंजॉय कर रहे हो आप? हमें बहुत अच्छा लग रहा है देखते हुए, और हम बहुत, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा फुटबॉल के बहुत फैन हैं, खेलना ही पसंद करते हैं,
और हम पूरा सपोर्ट है हमारी इंडियन टीम के लिए एंड वी लव यू। जीतेगी और फाइनल भी जीतेगी। यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली। हम तो ये भी चाहते हैं कि वो जल्दी ही मतलब वर्ल्ड कप जैसे जो बड़े इवेंट है मेगा इवेंट है उसके लिए भी क्वालिफाई करें। हमारी हमेशा यही शुभकामनाएं रहेंगी। ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে যথেষ্ট লড়াই করে ভানুয়াটু শেষ পর্যন্ত ব্লু টাইগার্সের রক্ষাকর্তা হয়ে হাজির হন সুনীল ছেত্রী। 81 মিনিটের মাথায় ভানুয়াটু বক্সের বাঁদিক থেকে ক্রস বানান শুভাশিস বসু, বুকে করে সেই বল নামিয়ে বাঁ পায়ে নিখুঁত ভলিতে জালে জড়িয়ে দেয় সুনীল। ভারতের জার্সিতে তার 86তম গোল। ম্যাচের সেরাও হন ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি। ম্যাচের পর যিনি সুখবরও দেন, জানান বাবা হতে চলেছেন তিনি। 2 ম্যাচে 6 পয়েন্ট নিয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে কার্যত ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। ভুবনেশ্বর থেকে ক্যামেরায় সালমান আলী আর সাদের সঙ্গে সন্দীপ সরকার, এবিপি লাইভ।